हर गरीब और ग्रामीण व्यक्ति को उसका खुद का आवास उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई पीएम आवास योजना के तहत राज्य के हर जिले में अनेकों आवासों का निर्माण कराया जा रहा है। दतिया जिले में योजना का क्रियान्वयन किस प्रकार से हुआ है, देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में तेजी से पीएम आवास का निर्माण किया जा रहा है। लंबे समय से बिना छत के अपना जीवन यापन कर रहे हजारों हितग्राहियों को इस योजना का लाभ हुआ है। प्रदेश के दतिया जिले में भी योजना के तहत अब तक करीब 4000 परिवारों को उनके स्वयं के आवास प्राप्त हो चुके हैं। लगभग 2500 आवासों पर भी तेजी से काम चल रहा है। सरकार द्वारा योजना के तहत हितग्राहियों के खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। हितग्राही भी अपने लंबे समय से स्वयं के घर का सपना साकार होने पर खुश नजर आ रहे हैं। मैं पहले झोपड़ी में रहता था, लेकिन अच्छे मकान मिल गए यहाँ पर। प्रधानमंत्री आवास योजना वाले बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। पहले मकान झोपड़ी थी वहाँ पे, लेकिन यहाँ पर अच्छे मिल चुके हैं, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। पहले ये हमारे लोग कच्चे मकानों में रहते थे, कोई पानी की सुविधा नहीं थी, नल की नहीं। जब से ये मकान वगैरह मिले हैं थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा है हम लोग, और आने जाने में भी ये कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी हाईवे के किनारे मकान दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी का, हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। आगे जाके ऐसा ही चलता रहे तो बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री आवास में करीब हमारे जिले से भी 4000 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है। वर्तमान में 3000 करीब हितग्राहियों का काम अभी प्रगतिरत है, और इसमें SECC सूची के समस्त लाभ पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाना है। और जो भी हितग्राही सूची छूटे हुए हैं, जिनका SECC 2011 में सर्वे में नाम नहीं आ पाया था, उनका भी आवास प्लस ऐप करके एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन आई है, जिससे उनके नाम जोड़े जा रहे हैं। इसमें हम हितग्राही को 4 किस्तों में पैसा उपलब्ध कराते हैं, 25,000, 40,000, 40,000 और 15,000।